हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारा जो लर्निंग चल रहा है कैपिटल गेन्स इनकम टैक्स के अंदर, राइट। लास्ट जो पार्ट वन आपने समझा है उसमें ये समझा कि कैपिटल गेन दो टाइप के होते हैं। कैपिटल गेन कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से होते हैं। कैपिटल एसेट भी दो टाइप की होती हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। और जो कैपिटल एसेट में हम किस किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं उसमें टाइम ड्यूरेशन का एक क्राइटेरिया है जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। बार बार रिकैप तो नहीं करेंगे हर पार्ट में, उसके लिए आपको पहला पार्ट ढंग से देखना समझना सीखना पड़ेगा और उसका रिवीजन करना पड़ेगा। तो जो पार्ट वन है, राइट, जो पार्ट वन है उसमें हमने आपको ये सारी चीज़ें समझा रखी है। फिर भी शॉर्ट में अगर मैं रिकैप करूँ आपके लिए तो मैं केवल इतना बोलूँगा कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के ट्रांसफर करने से होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में हमने क्या रखा हुआ था, बिल्डिंग लैंड और लैंड एंड बिल्डिंग बोथ, इनके लिए 24 मंथ्स का टाइम है। इससे कम टाइम तक रख के बेचोगे शॉर्ट टर्म होगा, ज़्यादा टाइम तक रख के बेचोगे लॉन्ग टर्म होगा कैपिटल गेन, राइट। और शेयर डिवेंचर म्यूचुअल फंड के लिए 12 महीने से का क्राइटेरिया है, उससे कम टाइम तक रख के बेचोगे शॉर्ट टर्म होगा, ज़्यादा के लिए लॉन्ग टर्म होगा। और इसके अलावा कोई भी एसेट है उसके लिए 36 मंथ्स का क्राइटेरिया है। अब 36 मंथ्स हम काउंट कहाँ से करते हैं, 36 मंथ्स हम काउंट करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब जब से हमने उसे खरीदा है और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर में हमने जिस डेट पे बेचा है वहाँ तक का हम टाइम ड्यूरेशन ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ढंग से समझना बहुत ज़रूरी है, याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सवाल इसी के बेसिस पे होगा। इसके साथ हमने सीखा लास्ट लेक्चर में कि कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मेट क्या होता है सिस्टम बाय सिस्टम, राइट। तो अभी हम जो सीखेंगे दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, राइट। असेसमेंट ईयर 2020 to 2021, तो कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 2021। अभी इसमें क्या होता है, सबसे पहला काम हमारा होता है कि ट्रांसफर प्राइस लिखो। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कितने में किया, सेल से अगर समझ में आता है तो सेल कितने में किया, ट्रांसफर से समझ में आता है तो ट्रांसफर कितने में किया, होता वो ट्रांसफर ही है, राइट। ओनरशिप ट्रांसफर होती है, तो ट्रांसफर प्राइस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है उसको आपने कितने में बेचा है, ट्रांसफर किया है किसी को, वो हमें इसमें लिखना है, ठीक है। ट्रांसफर प्राइस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। फिर इसके ठीक बाद अगली चीज आती है, वो खर्चे आप इसमें से घटाओ जो इस ट्रांसफर को टेक प्लेस होने में लगे, इस ट्रांसफर से रिलेटेड है, मतलब सेलिंग के खर्चे हो सकते हैं ट्रांसफर से रिलेटेड, ब्रोकरेज हो सकती है, स्टाम्प हो सकती है, कमीशन हो सकती है, एडवर्टीजमेंट हो सकती है, कुछ भी, राइट, जो भी इससे रिलेटेड है वो सब आप इसमें लेस करोगे, क्लियर। फिर इसके बाद लिख भी देते हैं लेस एक्सपेंसेस होली और एक्सक्लूसिवली फॉर सच ट्रांसफर, मतलब इस तरीके के ट्रांसफर से रिलेटेड जो खर्चे हैं जो पूरे के पूरे इसी ट्रांसफर से रिलेटेड है उसको हमें यहां पर लिखना है। इसमें ब्रोकरेज हो सकती है, कमीशन हो सकता है, एडवर्टीजमेंट हो सकता है आपका जो है, और स्टाम्प का खर्चा हो सकता है, कोई एग्रीमेंट वगैरह कराने में कोई स्टाम्प का खर्चा होगा, तो ये सारे खर्चे आप इसमें से लेस करेंगे। जो नेट आएगा उसको हम देख लेंगे, नेट ट्रांसफर प्राइस। फिर इसके बाद बात आती है कि इसमें से आप लेस करिए इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या मतलब है इस लाइन का, इसको मैं आगे ना शॉर्ट में ICOA लिखूंगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर हम लेस करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ
इम्प्रूवमेंट, इसको मैं आगे शॉर्ट में ICOI लिखूंगा, तो इन दोनों चीजों को हम लेस कर देते हैं। फिर ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है, इसमें से एग्जेम्पशन हम लेस करते हैं। उससे पहले ये बता देते हैं कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है प्राप्त करने की लागत, उसको हमें इन्फ्लेटेड करना पड़ेगा। प्राप्त करने की लागत उसको हमें इन्फ्लेटेड करना पड़ेगा। एक्चुअल में जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप कर रहे थे ना, तो उस टाइम पर केवल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने लेस किया था। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जितने में आपने उसे प्राप्त किया, जितने में आपने उसे खरीदा, वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। क्लियर? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में केवल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वर्ड यूज हुआ है, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट केवल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वर्ड यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पर जब भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमें फाइंड करना होगा, तो आपका जो है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टर्म यूज होगा और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट टर्म यूज होगा। अब बात यह है कि ये इंडेक्स क्यों कर रहे हैं हम, इंडेक्स क्यों कर रहे हैं? इंडेक्स इसलिए कर रहे हैं कि 3 साल से ज़्यादा पुरानी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसमें, और वो उस टाइम पर आपने की थी, जिसकी वैल्यू उस टाइम पर इतने रुपए थी जितने में भी की। सपोज आपने 7 साल पहले मकान खरीदा था 5 लाख रुपए में, तो अभी प्रीवियस ईयर में आपने उसको बेच दिया, हम जानते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लेकिन वो 7 लाख रुपए 5 साल पहले थे। 7 लाख रुपए जिस टाइम पर आप प्रीवियस ईयर में बेच रहे हो, वो उस प्रीवियस ईयर में वो 7 लाख रुपए नहीं है, वो उनमें एप्रिसिएशन कुछ लग गया होगा, तो हमें उस एप्रिसिएशन को भी ध्यान में रखना होता है। हमें इंडेक्स फाइंड करना होता है। इंडेक्स में होता क्या था, पहले 81 से चलता था ये वैल्यू, राइट? हम लोग पहले 81 वाला इंडेक्स पढ़ाते थे, 81 82 में 100 इंडेक्स माना गया था। तो गवर्नमेंट ने हमें इसकी लिस्ट बता रखी है ईयर वाइज कि 81 82 में 100 था, फिर ऐसे 110 हो जाता था, लेकिन 81 82 को ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब 2001 से है, 2001-2002, राइट? अप्रैल 2001 में गवर्नमेंट ने बता दिया कि 100 रुपये की वैल्यू है, ये 100 रुपये हैं। फिर उसके बाद में अगले साल वो कुछ बढ़ जाएंगे, राइट? और 110 हो जाएंगे, या जो भी उनका क्राइटेरिया है उसको फाइंड करने का, उसमें इन्फ्लेट करने का रेट को। फिर उसके बाद 121 हो जाएंगे, ऐसे करके वो बढ़ते जाएंगे। तो हमारे को उस 7 लाख रुपये को कन्वर्ट करके लेके आना है। अगर 7 साल पहले वो 7 लाख है, तो अभी 7 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, राइट? तो हमें उस ईयर के इंडेक्स से इस ईयर के इंडेक्स पर पहुंचना है। उसका कैलकुलेशन मैं इस चार्ट के बाद सिखाऊंगा कैसे हम करते हैं, राइट? तो उसका मैं फॉर्मेट बताऊंगा, रूल बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, रिकॉर्ड करके भी दिखाऊंगा। तो अभी केवल इतना है कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब हमें प्राइस को इन्फ्लेट किया है, राइट? पुराने प्राइस से करेंट प्राइस में आए हैं हम। और ऐसा ही कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में, इंप्रूवमेंट क्या होता है? इंप्रूवमेंट माने आपने कोई कंस्ट्रक्शन करवाया, उसमें एडिशन करवाया, कुछ और इन्वेस्टमेंट कर दिया, रिपेयर करा, तो वो सब इंप्रूवमेंट है। तो इंप्रूवमेंट भी आपने मान लीजिए 3 साल से ज़्यादा टाइम पहले किया है, तो उसको भी आपको इंडेक्स करना पड़ेगा। क्लियर? तो उसको भी आपको इंडेक्स निकालना पड़ेगा आज की प्रीवियस ईयर की डेट पर। फिर ये दोनों चीज़ें निकालने के बाद कैसे करेंगे हम सीखेंगे, इनको कैसे निकालते हैं। लेस करके जो आएगा ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, इसको बचाना है यदि, तो कुछ गवर्नमेंट ने आपको तरीके बता दिए हैं कि आप यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, खर्च कर दीजिए, तो जो टैक्स आपका बन रहा है कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, वो बच जाएगा, राइट? तो ये टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है ये रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस कब होगा? अगर आपके इन्वेस्टमेंट, अगर आपका खर्चा इन इन सेक्शंस के अंतर्गत होता है, अंडर सेक्शन 54, अंडर सेक्शन 54B, अंडर सेक्शन 54D, 54EC, और 54F, और 54G, राइट? ये आपकी 54, 54B, D, EC, एक ED और है, 54ED, राइट? F और 54G, ये अलग अलग हैं, अलग अलग पर्पजेज के लिए हैं, राइट? अभी मैं बोल के ख़त्म कर दूंगा तो आप याद नहीं रख पाओगे, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपके दिमाग में भी रहेंगी, काम में भी आएंगी,
इम्प्लीमेंट होती हुई चलेंगी, ठीक है। तो ये मैं इनमें से कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट किया तो इसमें से लेस कर दूंगा, तो ये मेरा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। क्या एग्जाम्पल के लिए बता सकता हूं कि मैं जैसे सेक्शन 54 है, सेक्शन 54 रेजिडेंशियल हाउस के लिए है, राइट। कोई भी रेजिडेंशियल हाउस आपने प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर किया, उससे कोई आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उसको आप बचाना चाहते हैं, तो आपको दूसरा रेजिडेंशियल हाउस खरीदना पड़ेगा, तो वो सेक्शन 54 में आएगा। उसका भी क्राइटेरिया आएगा कब से कब तक खरीदना पड़ेगा, उसी हिसाब से चलेगा, राइट। फिर वही बात बोल के खत्म कर देंगे तो सही नहीं हो। अब देखिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना सीखते हैं कि कैसे हम फाइंड करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 2001 से 2002 ये हमारा वो साल है जहां से इंडेक्स लगना स्टार्ट हुए। तो दो इंडेक्स आपको याद रखने पड़ेंगे और बाकी सवाल में दे रखे होंगे, हो सकता है वो भी दे रखे हो, लेकिन दो आपको याद रखने ही चाहिए, राइट। एक तो 2001 से 2002, तो 2001 से 2002 का जो इंडेक्स है वो 100 है, और प्रीवियस ईयर 2019 टू 2020 का जो इंडेक्स है वो 289 है। इनको आप याद रखो, क्लियर। अब देखते हैं कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कैसे फाइंड करते हैं। मैंने आपको बताया था, मैं शॉर्ट में लिखूंगा आगे, राइट, याद रखिए इस बात को। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए हमें क्या करना होता है, दो सिचुएशन में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम फाइंड करते हैं। अगर प्रॉपर्टी हमने परचेज की थी बिफोर April 1, 2001, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बिफोर April 1, 2001, राइट, और अगर एक्वायर की थी आपने आफ्टर April 1, 2001, तो इन दो सिचुएशन में हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फाइंड करते हैं। तो इसका तरीका होता है कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल्स टू जो भी एक्चुअल कॉस्ट है जितने में आपने खरीदी, उसको आपको कंपेयर करना है, उसको आपको कंपेयर करना है फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को जो दे रखी है आपको उससे, और इन दोनों में जो हायर है वो अमाउंट मुझे लिखना है, हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू, दोनों में से ज्यादा होगा। एक्चुअल कॉस्ट मान लीजिए 2001 से पहले बोल रहा हूँ, मतलब 95 में आपने एक मकान खरीदा 15 लाख रुपए का, ठीक है, और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को 18 लाख रुपए है, तो एक्चुअल कॉस्ट तो हो गई 15 लाख रुपए और फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को 18 लाख रुपए, तो दोनों में जो ज़्यादा है वो 18 लाख रुपए है, तो मुझे यहाँ पर 18 लाख रुपए लिखना है। और अगर अपोजिट केस है कि फेयर मार्केट वैल्यू 15 लाख है और खरीदा था 18 लाख में, तो दोनों में ज़्यादा 18 लाख, ठीक है, मतलब ज़्यादा ही आएगा हायर, वो कुछ भी हो दोनों में ज़्यादा ही लिखना है, कॉस्ट ज़्यादा है तो कॉस्ट लिख जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा तो वो लिख जाएगी। उसको डिवाइड करना है 100 से, 100 कौन से ईयर का इंडेक्स है, 2001-2002 का। अभी मल्टीप्लाई मुझे किससे करना है, मल्टीप्लाई विद 289, अभी मैंने 289 डायरेक्ट लिख दिया। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उस प्रॉपर्टी का निकाल रहा हूँ जो प्रॉपर्टी मैंने प्रीवियस ईयर में बेची है, और प्रीवियस ईयर 2019 से 2020 है, ठीक है। अगर आप किसी और ईयर में बेचोगे तो उसी ईयर का इंडेक्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ द ट्रांसफर, राइट। तो ये मेरा प्रीवियस ईयर का इंडेक्स है, दैट इज 1920 का, तो दिस इज दैट। अभी प्रोग्राम अगर आफ्टर April 1, 2001 में परचेज किया है आपने प्रॉपर्टी को, या खरीदा है, बनवाया कुछ भी, ठीक है, तो एक्चुअल कॉस्ट लेनी है, किसी चीज से कंपेयर नहीं करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई हम कर देंगे वही 289 से, 289 क्या है, प्रीवियस ईयर का इंडेक्स है, और डिवाइड कैसे करेंगे, इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, उस साल के इंडेक्स से डिवाइड करेंगे जिस साल में आपने खरीदी थी, ठीक है। 2001 के बाद का मतलब क्या होता है, 2005 में मान लो मैंने 15 लाख रुपए खरीदा, तो 2005
मैं खरीदा जुलाई 2005 में खरीदा सपोज, तो जुलाई 2005 2006 में आता है, तो 2005 2006 के इंडेक्स से डिवाइड देना है मुझे जो भी सवाल मुझे रखा होगा, और मल्टीप्लाई प्रीवियस ईयर का इंडेक्स 289 से करना है। प्रीवियस ईयर में मान रहा हूँ कि 19-20 में सेल इफेक्ट हुई है, ट्रांसफर हुआ है, क्लियर। तो ये कहानी है, हरे कृष्णा। अब देखिए इन दिस, इसके बाद हम समझते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की कहानी। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे लेते हैं हम लोग, ये लेने के लिए हमें फिर वही दो चीजें ध्यान में रखनी है। अगर इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट मतलब ऑल्टरेशन इन हाउस, एडिशन इन हाउस, मोर इन्वेस्टमेंट इन दैट पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी, राइट। तो अगर इंप्रूवमेंट बिफोर अप्रैल 1, 2001 किया है तो उसका वैल्यूएशन हमारा निल है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, दैट शैल बी इक्वल टू निल। और अगर वो आफ्टर किया है आपने अप्रैल 1, 2001, तो उसका हमारा फॉर्मूला होता है, जो भी आपने खर्चा किया इंप्रूवमेंट में, जो भी आपने खर्चा किया इंप्रूवमेंट में, उसको हम डिवाइड करेंगे उस ईयर के इंडेक्स से जिस ईयर में खर्चा किया। इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई प्रीवियस ईयर का इंडेक्स 289, क्लियर। ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है जी, ये कहानी है, और इसको फॉलो करके ही आपके सवाल होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक सवाल ले लेते हैं, ब्यूटीफुल कोई सवाल देखते हैं इसके अंदर। जैसे मान लीजिए आपके पास, हम एक सवाल उठा लेते हैं, प्रॉपर्टी कोई सी भी हो, उत्तराधिकार में मिली हो या कुछ भी, कैसा कोई भी सवाल हो सकता है। ये यहाँ पर हमारे पास सवाल है, मिस्टर फिरोज खान ने परचेज किया हाउस प्रॉपर्टी January 5, 1986 को। तो मैं सवाल लिख देता हूँ, परचेज कब किया, January 5, 1986, क्लियर। फिरोज खान ने January 5, 1986 को मकान परचेज किया 30 लाख रुपए का। तो परचेज कितने का, ₹30 lakh में आपने खरीदा, क्लियर। व्हाट वी आर मेकिंग इट अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है। फिर इसके बाद इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, तो ये कहानी है। आगे लिखा हुआ है 10 लाख रुपए इंप्रूवमेंट में खर्च कर दिए 91-92 में, राइट। इंप्रूवमेंट स्टेप वन यहां पर ये हो गया हमारा। देखिए इंप्रूवमेंट में खर्च करे इन्होंने 10 लाख, कब करे, 91-92 ये ईयर है। फिर देखिए ये मर गया July 10, 1988 को, डाइड ऑन July 10, 1998। July 10, 1998 को ही डाइड, राइट। और उसकी एसेट किसको मिल गई, उसके बेटे फरदीन खान को, फिरोज खान का बेटा फरदीन खान ही है एक्चुअल में, अगर हम उसमें जाएं बॉलीवुड में, तो उसकी प्रॉपर्टी, उसको मालूम भी नहीं होगा उसका सवाल चल रहा है आपने। तो देखिए कि उसकी एसेट उसके बेटे फरदीन खान को मिल गई, तो कब मिली, जब वो मरा तभी मिल गई, ये तो लीगल है, राइट। आगे देखिए, अब फरदीन खान के पास प्रॉपर्टी आ गई है, तो फरदीन खान ने 2 लाख रुपये 1999 में खर्च करे। अब फरदीन को मिल गई प्रॉपर्टी, अब इन्होंने स्पेंड करे कितने रुपए, 2 लाख रुपए, कब खर्च करे, 1999 में, ठीक है। अब देखिए 3.5 लाख रुपए February 2011 में, 3.5 लाख रुपए भी खर्च करे इन्होंने February 2011 में, ठीक है। काय में खर्च करे, इंप्रूवमेंट में, ऑन
इम्प्रूवमेंट, आगे देखिए सवाल, और अल्टरेशन में, इम्प्रूवमेंट और अल्टरेशन। अब फरदीन खान ने प्रॉपर्टी दिसंबर 15, 2019 को 2 करोड़ की बेच दी, तो सेल देखिए फरदीन खान ने करी, यहां से यहां तक फरदीन खान चल रहे हैं हमारे पॉइंट नंबर थर्ड में। और पॉइंट नंबर फोर देखिए, सेल बाय फरदीन खान कब बेची, दिसंबर 15, 2019, और कितने में बेची, 2 करोड़ रुपए, राइट। सही बात है, बॉलीवुड की प्रॉपर्टी है, करोड़ों से कम में क्या जाएगी, वैसे कम लिखा है 2 करोड़, 20-50 करोड़ वाला चाहिए था। तो फिर उन्होंने काय में खर्च कर दिए 1,10,000 रुपये सेलिंग एक्सपेंस कर दिए, सेलिंग एक्सपेंस 1,10,000 रुपये इनके सेलिंग एक्सपेंस हो गए। फेयर मार्केट वैल्यू अप्रैल 1, 2001, फेयर मार्केट वैल्यू अप्रैल 1, 2001 को कितने रुपए की है, 55 लाख रुपीज की है। आगे देखिए, कैलकुलेट करिए कैपिटल गेन 2021 के लिए, कैपिटल करिए, कैलकुलेट करिए कैपिटल गेन 2021 के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप देखिए इस सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे। हम ये जानते हैं कि हमारा जो फॉर्मेट है वो क्या है, फॉर्मेट हमारा ये है कि हमें क्या चाहिए, हमें सेल प्राइस चाहिए, ट्रांसफर प्राइस चाहिए। कितने में सेल किया हमने, 2 करोड़ रुपए में, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 करोड़ रुपए का ट्रांसफर प्राइस है, क्लियर। फिर इसके बाद देखो, इसके बाद मुझे क्या लेस करना है, जो मैंने अभी आपको फॉर्मेट सिखाया था ना थोड़ी देर पहले, सिखाया था कि नहीं, कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो इसमें से मुझे एक्सपेंस लेस करना है, लेस एक्सपेंस, काय के एक्सपेंस, वही सेलिंग एक्सपेंस, राइट। तो 1,10,000 रुपए के खर्चे हैं, वो मैं लेस कर देता हूं, तो कितने रुपए आ जाएंगे, अभी ये आ जाएंगे आपके 1 करोड़ 98 लाख, 1 करोड़, इसको लेस करो 1,10,000, भाई बात समझो, 1,00,000 रुपए कटाओ पहले आप, 2 करोड़ में से 1,99,00,000 बचेंगे, है ना, और फिर 1 करोड़ उसमें से 10,000 कटाओ, 1,98,90,000, 1,98,90,000, राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये मेरी क्या आई, नेट ट्रांसफर प्राइस आ गया, नेट ट्रांसफर प्राइस आ गया, नेट सेल आ गई, क्लियर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये सब निकालना है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। देखो मैं सवाल को शुरू से बताता हूँ, थोड़ा परचेज करी January 5, 1986 को, क्लियर, ये परचेज हुई तुम्हारी बिफोर April 1, 2001, ठीक है। और एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 30 लाख रुपए, कितनी है, 30 लाख रुपए। और बिफोर April 1, 2001 अगर परचेज होती है तो मेरे को एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में जो ज्यादा होता है वो लिखना है, क्लियर। लिखते हैं एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू, दोनों में जो ज्यादा होगा वो मुझे लिखना है। देखो एक्चुअल कॉस्ट लिख देता हूं मैं 30 लाख रुपए, और इसको मुझे कंपेयर कैसे करना है, फेयर मार्केट वैल्यू से। फेयर मार्केट वैल्यू कहां दे रखी है मेरे को सवाल में, 55 लाख रुपीज, तो दोनों में ज्यादा कितनी आएगी, अगर आप इसका हायर देखोगे तो 30 लाख और 55 लाख में से हायर होगा 55 लाख, उसको मुझे कैसे डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, 100 से। अच्छा अभी सवाल को पढ़ लेते हैं, ये तो हमने जो देखा वो लिख दिया, 1986 में खरीदी थी 30 लाख रुपए की, तो बिफोर April 1, 2001 है, तो एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में जो ज्यादा होगा बोलेंगे। इंप्रूवमेंट 91-92 में फिरोज खान ने किया था, तो बिफोर April 1, 2001 जो इंप्रूवमेंट करते हैं वो निल होता है, अभी हमने सीखा था फॉर्मेट, अभी मैंने रफ किया यहाँ से, ठीक है।
और मर गए जुलाई 10, 1998 को। तो ये प्रॉपर्टी फरदीन खान में चली गई। फरदीन खान ने 2 लाख रुपए 1999 में खर्च करे, तो ये भी बिफोर अप्रैल 2001 खर्च करे, तो ये भी निल हो गया। और 3.5 लाख रुपए इन्होंने फरवरी 2011 में खर्च करे। ये 2001 के बाद करे, ये कंसीडर होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में जो मैंने आपको सिखाया था। इसका लेंगे बस हम, इसका कोई मतलब नहीं है राइट इंप्रूवमेंट का, और इस इंप्रूवमेंट का भी कोई मतलब नहीं है। बस केवल कौन सा कंसीडर होगा, फरवरी 2011 वाला। फरवरी 2011 क्यों कंसीडर होगा, क्योंकि वो अप्रैल 1, 2001 के बाद का इंप्रूवमेंट है। क्लियर? तो फिर उसके बाद में सेल फरदीन खान ने कर दिया 15 दिसंबर 2019 काय में आता है, 15 दिसंबर 2019 प्रीवियस ईयर 1920 में आता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर हमारा 31 मार्च 2020 तक चलने वाला है। ठीक है, 2 करोड़ में बेच दिया, मैंने लिख दिया सेलिंग एक्सपेंस, मैंने घटा दिया फेयर मार्केट वैल्यू, मैंने यूज कर लिया। अब मेरे पास क्या रह गया केवल कंसीडर करने को, एक तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए मुझे। तो मेरा प्रीवियस ईयर में सेल हुआ मुझे मालूम है 15 दिसंबर 2019, तो मैं 289 से इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, तो मेरे पास इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। ठीक है, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो आएगा उसके लिए मेरा कौन सा वाला यूज होना है, वो वाला इंप्रूवमेंट यूज नहीं होना क्योंकि बिफोर था, ये भी बिफोर था अप्रैल 2001, ये वाला इंप्रूवमेंट यूज होना है 3,50,000 रुपए का। अब वो कौन से ईयर में हुआ था, ये ईयर कौन सा था, 2010-2011 कब था ये, 2010-2011 उसका इंडेक्स मेरे सवाल में दे रखा होगा। 2010-2011 का जो इंडेक्स है वो 167 है, कितना है 167, उससे मुझे इसे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कौन से ईयर के इंडेक्स से करना है, जिस ईयर में मैंने उसको ट्रांसफर किया प्रीवियस ईयर का 289। इनकी वैल्यूज अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितनी आने वाली हैं, इसकी तो आ जाएगी आपकी 1,58,99,000। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6,05,689। ठीक है ना, ये हमारी कैलकुलेशंस आ गई। अब इन दोनों चीजों को मैं लेस कर दूंगा, लेस क्या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने रुपए निकाली मैंने, अब मैं यहां से फिर रफ कर देता हूँ फॉर्मूले को, ठीक है, जिससे वो विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने यहां निकाली हुई है 1,58,95,000 और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ये मेरी कितनी निकली है, 6,05,689। इन दोनों को मुझे लेस करना है तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा मुझे। ठीक है, कितने रुपए आ जाएगा, 33,89,000। Is that okay? Yes, sir. So practice this type of questions as much as times you can. बस मैं एक मिनट में एक रिवीजन थोड़ा सा आपको बताता हूँ मैंने किया क्या है यहाँ पर। देखो 1986 में मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी, ठीक है, तो बिफोर अप्रैल 1, 2001 खरीदी थी, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट को मुझे फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करना था। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी मेरी, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, 55 लाख रुपए। यस सर, दोनों में ज्यादा कितनी थी, 55 लाख रुपए, वो लिख दिया मैंने, 100 से डिवाइड कर दिया, प्रीवियस ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया। अब ये मर गए, ठीक है, इंप्रूवमेंट 91-92 में करा दी, तो 91-92 में इंप्रूवमेंट कराया तो बिफोर अप्रैल 2001 इंप्रूवमेंट हुआ तो उसको हम इग्नोर करेंगे। और फिर फरदीन खान को प्रॉपर्टी मिल गई, ठीक है, बॉलीवुड के सितारे, उन्होंने फिल्म बनाई थी बहुत अच्छी, ठीक है, अगर आपको याद हो बहुत अच्छी अच्छी फिल्म बनी है, टीपू सुल्तान में रोल था फरदीन खान का। तो स्पेंड किए उन्होंने 1999 में 2 लाख रुपए, तो ये इग्नोर करना पड़ेगा, बिफोर अप्रैल 2001 है और 2011 फरवरी में तो 3.5 लाख रुपए हैं। ये फरवरी 2011 है तो आपको ये पहचानना सीखना है कि ये प्रीवियस ईयर कौन सा है, ये प्रीवियस ईयर है 10-11, राइट, फरवरी 2011 का मतलब होता है 10-11, 31 मार्च 2011 में खत्म होगा, तो उसमें 10-11 के इंडेक्स से डिवाइड करेंगे 167 से, प्रीवियस ईयर के इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कंसीडर होगा 3.5 लाख रुपए। सेल करी 2 करोड़ रुपए में लिख दिया मैंने, सेलिंग एक्सपेंस घटा दिए मैंने, नेट ट्रांसफर प्राइस जो आया उसमें से ये वाला इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और ये वाला इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस कर दूंगा तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टैक्सेबल है दैट शैल कम। इज इट ओके? तो इस तरीके सवालों को प्रैक्टिस करिए, आगे की कैलकुलेशन बोनस शेयर वगैरह से। थैंक यू।